डेढ़ दशक तक बिहार की राजनीति मैसेज पर रहने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी आज से केंद्र में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। आज शाम 4 बजे संसद भवन राज्यसभा चैम्बर में शपथ लेंगे। राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सुशील मोदी को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि सुशील मोदी राज्यसभा के लिए उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। सुशील कुमार मोदी ने न केवल केंद्र की राजनीति में कदम रखा है बल्कि अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है। सुशील मोदी बिहार में दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के अलावे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। वह बिहार के ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने चारों सदन की सदस्यता अपने नाम की है। इसके पहले लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। LJP के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर सुशील मोदी निर्वाचित हुए हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बावजूद बीजेपी नेतृत्व में उन्हें बिहार सरकार में शामिल नहीं किया गया। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बजाय बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय राजनीति में लाने का निर्णय लिया। अब कयास लगाया जा रहा है कि मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सुशील मोदी के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि होगी।